हार्दिक पांड्या की घर वापसी हो चुकी है। 2015 में जिस हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने 10 लाख में अपने नाम किया था, उसी कुंफू पांड्या को इस साल मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ में खरीद एक बार फिर से अपनी टीम में शामिल कर लिया है, जिसके चलते काफी प्लेयर्स में नाराजगी नजर आ रही है। वहीं मुंबई इंडियंस के फैंस इससे काफी खुश हैं। इसी बीच बुमराह से जुड़ी हुई एक खबर भी सामने आ रही है और ऐसा लग रहा है कि बुमराह मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट से खुश नहीं है और शायद मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ वो किसी और टीम में भी शामिल हो सकते हैं और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वो टीम चेन्नई सुपर किंग हो सकती है, क्योंकि ट्विटर पर अगर बुमराह की फैंस की माने तो बुमराह ने मुंबई इंडियंस के पेज को अनफॉलो कर एमएस धोनी के अकाउंट को फॉलो कर लिया है। और ये खबर तब सामने आई जब बुमराह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से दो क्रिप्टिक स्टोरी पोस्ट की। अपनी पहली स्टोरी में बुमराह ने लिखा, समटाइम्स बीइंग ग्रीडी इज गुड एंड बीइंग लॉयल इजंट। उसकी अगली स्टोरी में बुमराह ने पोस्ट किया, साइलेंस इज समटाइम्स द बेस्ट आंसर। इन स्टोरीज को देख के तो यही फील आ रही है कि बुमराह अपनी मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट से खुश नहीं है और हार्दिक पांड्या का इस तरीके से टीम में आना उन्हें पसंद नहीं आया है। अलग अलग आईपीएल फ्रेंचाइजीज के फैन भी बुमराह को अपनी टीम में शामिल होने की बात कर रहे हैं, पर अभी ना ही बुमराह और ना ही मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट की तरफ से इसके ऊपर कोई अपडेट आई है। अब देखना यह होगा, क्या बुमराह सही में मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ किसी और टीम में शामिल होते हैं या ये बस एक अफवाह है। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज को जानने के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स क्रेजी को और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।